हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतो कीजी रेसिपीज में। तो आज हम एकदम बढ़िया क्रिस्पी एंड कुरकुरे साबूदाना बड़ा लेकर आए हैं, एकदम अलग अंदाज में, जो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। इतना बढ़िया कुरकुरा नाश्ता ये बनकर रेडी होता है। तो हम नवरात्र के 9 तरह के रेसिपी लेकर आए हैं आप लोग के साथ, और एक ने दो दो रेसिपी लेकर आए हैं। तो बने रहिए इस फुल वीडियो में देखने के लिए। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको इतना बढ़िया टेस्टी करारा ये बड़ा आपको बहुत पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को एक लाइक ज़रूर कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 ग्राम के करीब मूंगफली ले लिया है छिलके सहित, क्योंकि छिलके में फाइबर और प्रोटीन पाए जाते हैं। तो छिलका ना उतारे, इसको छिलके सहित ग्राइंड कर लें। तो यहाँ पे देखिए, मैंने मिक्सी में इसको हल्का सा दरदरा सा चला लिया है, और इसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है साबूदाना। मैंने आधी कटोरी लिया था और ये फूल के एक कटोरी हो गया है, और इसको मैंने 1.5 से 2 घंटे के लिए भिगा दिया था। तो देखो अच्छे से मैश हो रहा है, ऐसे एकदम इसको मतलब फूला फूला होना चाहिए। और इसके बाद इसको हम कर लेते हैं थोड़ा सा ग्राइंड। तो थोड़ा सा मैंने ग्राइंड करना है, और थोड़ा सा मैं रख लूँगी वैसे खड़ा डालने के लिए। तो वो जो खड़ा खड़ा होता है देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्रिस्पी सा लगता है। इसके बाद इसको हमें एक बाउल लेना है, बाउल में सारे जो है सामग्री को मिला लेना है। तो जो मैंने खड़ा रखा था वो ले लिया है, बाकी जो ग्राइंड किया था साबूदाना वो ले लिया है। इसके बाद हम इसमें सारा मूंगफली डाल देंगे, मूंगफली से एकदम क्रिस्पी एंड कुरकुरा बनता है। इसके बाद यहाँ पे 2 आलू लिया है, आलू को मैंने अच्छे से बॉयल करके छील लिया है, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। तो आलू को हमें जो है अच्छे से ग्रेट कर लेना है, इसको हमें अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना रहे, नहीं तो वो बनते समय ना वो बिखरने लगता है। तो बस ये देखिए, मैंने आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, बाकी जो छोटे भाग हैं उसको मैंने चम्मच से इसको अच्छे से मैश कर लिया है। और मैंने ज़्यादा आलू नहीं लिया है, मैंने बस 2 ही लिया है, ताकि बढ़िया सा क्रिस्पी सा कुरकुरा सा बने। ज़्यादा आलू से ना फिर वो क्रिस्पी सा नहीं बन पाता है। इसके बाद यहाँ पे 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डालेंगे, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ हरी मिर्च डाल देंगे, उसके बाद ढेर सारा इसमें धनिया डाल देंगे, कूटा हुआ जो है जीरा और धनिया भुना हुआ पीस के डाल देंगे, 1 चम्मच जो है चाट मसाला, 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च, और इसके बाद इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा ज़्यादा नहीं डालना, ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो पूड़ी वाला टेस्ट आने लगेगा, तो इसलिए मैंने 2 ही चम्मच डाला है ताकि अच्छे सी बाइंडिंग बन सके। क्योंकि हमें बनाना है टिक्किया, हमें पूड़ी नहीं बनाना है, टिक्की बनाना है जो हम चटनी के साथ सर्व कर सके, एकदम कुरकुरा सा क्रिस्पी सा। तो प्लीज़ आप इस तरीके से बनाना, आपको बहुत पसंद आएगा, एकदम कुरकुरा क्रिस्पी सा कि हम क्या बताएं। तो ये देखिए, मैंने एक डो तैयार कर लिया है, अब लास्ट में हम डाल देंगे इसमें व्रत वाला नमक, सेंधा नमक। तो बस जो है सेंधा नमक डाल के मैंने लास्ट में इसको अच्छे से मैंने डो तैयार कर लिया है। अब इसके हम बनाएंगे बढ़िया सी टिक्किया। तो बहुत हिसाब से अगर कोई चीज़ डालेंगे तो ज़्यादा मतलब ना बहुत मुलायम टिक्की बनेगा ना बहुत वो, तो कम से कम कुरकुरे क्रिस्पी और टिक्की खाना है तो ऐसे ही बनाइए। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिया है, तो चलिए हम यहाँ पे चटनी बना लेते हैं। जब तक हम डो को रख देते हैं 5-10 मिनट के लिए, तो यहाँ पे बस टमाटर को अच्छे से धुल लिया है, और व्रत में जो जो डलता है बस मैंने वही वही सामान डाला है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाला है। और ये देखिए, मैंने इसको कट कर लिया है छोटे छोटे पीसेस में। 2 टुकड़ा हम अदरक डाल देंगे, 2 हरी मिर्च डाल देंगे, और इसमें हम डाल देंगे ढेर सारा हरी धनिया, हरी धनिया से फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे 1 नींबू का रस मैंने निकाल लिया है, वो डाल दिया है, सेंधा नमक डाल दिया है, उसके बाद कूटा हुआ धनिया जीरा वो हम डाल देंगे, वो भी भुना हुआ। तो इससे कि फ्लेवर और स्वाद इतना बढ़िया लगता है धनिया जीरा डालने से, नींबू डालने से, कि क्या बताएं। आप ज़रूर इस तरह से एक बार चटनी बनाना, आपको मन जो है एकदम प्रसन्न हो जाएगा, खा के मन एकदम साफ़ हो जाएगा। इतना बढ़िया सा ये चटनी बनके मेरा टाएंगी फ्लेवर में बनके रेडी हो गया है। अब चलते हैं हम टिक्किया बना लेते हैं। तो चटनी तो झटपट में बन गया, 2 ही मिनट लगा, और टिक्किया भी बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से मुझे 5 मिनट लगा था टिक्किया बनाने
बनाने में। और हाँ, मैंने इसी वीडियो में मैंने दो रेसिपी शेयर किया है, वीडियो को फुल वॉच करना तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और उसके बाद ये देखिए मैंने सारी टिक्कियाँ बना लिया है गोल गोल में। अब इसको थोड़ा थोड़ा हमने चिपटा कर लेना है। और यहाँ पर देखिए मैंने सैलो फ्राई किया है, तो मैंने बहुत ज़्यादा तेल नहीं लिया है। आप देखना इसी तेल में मैं सारी टिक्कियाँ फ्राई करने वाली हूँ और सारा का सारा तेल वैसे का वैसे रहेगा, तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं पीता है। और बढ़िया बढ़िया करारी करारी सी टिक्कियाँ भी आपकी बनके रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसको धीमी आंच पे बढ़िया कुरकुरा सा क्रिस्पी सा आलू और साबूदाना का बड़ा बना लिया है और इतना क्रिस्पी सा बना है कि क्या बताऊँ आप, मतलब खा के ही मन इतना आनंद हो जाता है कि क्या बताएं। तो आप झटपट इसको बनाइए और झटपट खाइए तभी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में रख देने से ना फिर बाद में ये जो है मुरझा जाता है, मतलब मुलायम सा हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इसी तरह सारी बना लिया है और ये आप देख सकते हैं कितना खुरखुरा सा जो है आवाज़ कर रहा है। और बस चटनी के साथ मैंने टिक्कियाँ गरम गरम लगा दी हैं और इसको खा के पेट भी भर जाता है, पूरा दिन एनर्जी फुल रहता है और दोबारा कुछ खाने का मन भी नहीं करता। तो ये देखिए कितनी अंदर से भी कुरकुरा बाहर से भी कुरकुरा, इतनी टेस्टी ये जो है साबूदाना बन के रेडी हो गया था कि क्या बताएं। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना, जितनी क्वांटिटी में मैंने सामग्री मिलाया है उतनी ही क्वांटिटी में आप मिलाना, आपकी जो है टिक्की एकदम करारी क्रिस्पी एंड कुरकुरे बनेगी। तो ये देखिए, और चलिए अब हम चलते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो जैसे हम आलू को फ्राई करते हैं तो यहाँ पे आज हम पनीर फ्राई करने वाले हैं। अगर जब आपका आलू खा के मन भर जाए तो आप पनीर उसी तरह से फ्राई करके खाइए, आपको बहुत पसंद लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे मैंने एक चम्मच घी लिया है, आधा चम्मच जीरा का तड़का लगा दिया है, पनीर को मैंने क्यूब में कट कर दिया है और बस इसको हम धीमी आँच पर थोड़ा थोड़ा बस ऐसे इसको ब्राउन होने तक इसको जो है चला लेंगे ताकि अच्छा सा बढ़िया सा इसमें एकदम क्रंची सा स्वाद आए। तो बस इसमें हमने जो है इसको पका लिया है पनीर को। इसके बाद इसमें काली मिर्च डाल दिया है, थोड़ा सा भुना धनिया और जीरा डाल दिया है, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा मैंने सेंधा नमक डाल दिया है और बस इसको हमें जो है 4 से 5 मिनट तक धीमी आँच पर, इसको ढकना नहीं है, बस ऐसे इसको खुले छोड़ के इसको ऐसे क्रिस्पी सा कुरकुरे सा पका लें। तो जैसे आप आलू का फलाहार बनाते हो एकदम ऐसे जो है पनीर का बनता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है, आप ज़रूर बनाना, गर्मा गर्म आप चटनी के साथ खाना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये हम लंच में देने के लिए बनाए थे आलू की जगह पे पनीर जो है जीरा जीरा पनीर इसको आप बोल सकते हैं। तो ये देखिए मेरा बढ़िया सा करारा सा बढ़िया जो है आलू की जगह पे पनीर रेसिपी बन के रेडी हो गया। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आऊँगी ऐसे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।